नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है अष्टमी और नवमी की पूजा विधि क्या है, कंजक पूजन कैसे करें। नवरात्रि, अष्टमी और नवमी को कंजक पूजन कैसे करें। कुछ लोग अष्टमी को कंजक पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को कंजक पूजन करते हैं। कंजक पूजन आप चाहे नवमी को करें, चाहे आप अष्टमी को करें, पूजा विधि एक जैसी है। कंजक पूजन के बिना नवरात्रि व्रत पूरे नहीं माने जाते हैं। जिस दिन आपने कंजक पूजन करना है, उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। और सबसे पहले हम चौकी पर पूजा करते हैं तो जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान कराएं। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं। उसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलाव अर्पित करें। उसके बाद आप तिलक करें। उसके बाद आप फूल समर्पित करें। उसके बाद आप भोग समर्पित करें। भोग में आप हलवा पूरी चने का भोग समर्पित करें। अष्टमी पूजा करें तो हलवा पूरी चने का भोग प्रसाद ही अर्पित करें। केले का भोग जरूर अर्पित करें। उसके बाद गाय के गोबर का उपला जलाकर हवन करें। सबसे पहले आप थोड़ा सा घी डालें और उसके बाद पताशे का भोग समर्पित करें। लौंग इलायची का भोग समर्पित करें। हलवा पूरी चने का भोग समर्पित करें। उसके बाद आप जल के छींटे लगाएं। अगर आपने मैया को पान चढ़ाया है तो आप भोग के रूप में पान को भी अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप कपूर जलाकर आरती करें। अगर आपने खंड ज्योति जलाई है तो आप कपूर से आरती करें। अगर आपने खंड ज्योति नहीं जलाई है और आप छोटा दीपक जलाया है तो आप उसी से आरती कर सकते हैं। पहले हमें मैया की पूजा करें और उसके बाद आप कंजक पूजन करें। कंजक पूजन के दिन जो कलश पर नारियल रखा होता है, उसे कुछ लोग नारियल को फोड़कर कंजक को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं, परिवारजनों में वितरित कर देते हैं। कुछ लोग इसका विसर्जन करते हैं। आप अपने घर परिवार के नियमानुसार ही करें। उसके बाद आप कंजक पूजन करें। कंजकों के चरणों को धोकर पोछ लें, उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं, हलवा पूरी चने का भोजन ग्रहण करवाएं और उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा देकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और उन्हें आदर सहित विदा करें। इस प्रकार आप अष्टमी और नवमी को कंजक पूजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।